महंगाई में पिसी आवाम पर लगातार तब्दीली, सरकार के वार, 3 अरब 60 करोड़ का इजाफी बोझ डालने की सबरी तैयार। मेट्रो बस की 20 रुपए की टिकट के मजे, आखिरी मरहले में मेट्रो और फीडर बसों की सब्सिडी खत्म करने का फैसला। मास ट्रांसिट अथॉरिटी की पंजाब हुकूमत को समरी अरसाल। मेट्रो बस के किराए में 300% इजाफे का इम्कान। इस वक्त मुसाफिर 20 रुपए में 27 किलोमीटर का सफर करते हैं। इजाफे से किराया 60 से 80 रुपए तक हो सकता है। हुकूमत सालाना 12 अरब रुपए दे रही है। किराया बढ़ने से मुसाफिरों की तादाद में 50% कमी मुतवक्के। मुसाफिरों की कमी से बस के अखराजात फिर भी पूरे नहीं होंगे। मेट्रो बस का किराया बढ़ने का इम्कान। शहरी फट पड़े, 20 रुपए में 27 किलोमीटर तक का सफर कर रहे थे। मेट्रो बस गरीबों का सहारा है, किराया नहीं बढ़ाना चाहिए। महंगाई में जकड़ी आवाम मजीद मसाइल से दो चार हो जाएगी। मेट्रो बस के किराए में मुमकिन इजाफे पर शहरियों का रद्द अमल। महकमा बल्दियात का बड़ा इकदाम, प्लाजों, फैक्ट्रियों, सोसाइटीज, मॉडल शहराओं की कमर्शियलाइजेशन मेट्रोपॉलिटन को देने का फैसला। सेक्रेटरी बल्दियात की जेर सदारत इजलास में फैसला हुआ। समरी वजीर आला को भेजी जाएगी। पेट्रोल पंप्स की नीलामी पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया आमने सामने। पेट्रोल पंप्स की मलकियत का फार्मूला तय ना हो सका। लॉर्ड मेयर का मामले के हल के लिए कमिश्नर लाहौर डिवीजन से रजू करने का फैसला। बाकी हुकूमत की वादा खिलाफी, यूटिलिटी स्टोर्स को 3 माह से अदायगियां ना हो सकी। चीनी, दालें, घी मिलता है ना दीगर सामान। शहर के 150 यूटिलिटी स्टोर्स वीरान। विफाकी हुकूमत ने 8 अरब रुपए जारी करने का ऐलान किया था। शहबाज शरीफ पर आशियाना इकबाल केस में फर्द जुर्माइद। शहबाज शरीफ का सेहत जुर्म से इनकार। कसम खाकर कहता हूं केस झूठा है, करप्शन नहीं, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। शहबाज शरीफ का बयान, केस चलेगा तो चीजें सामने आ जाएंगी। अदालत के रिमार्क्स, एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। अदालत पेशी से काबिल दाता दरबार हाजिरी भी दी। मजार पर चादर चढ़ाई, फातह खानी भी की। मुझे क्यों रोका, परवेज मलिक के एहतसाब अदालत के गेट पर रोके जाने पर आग बगोला। तुम्हें पता नहीं मैं एमएनए हूं, पुलिस अहलकार से उलझ पड़े। आप मेंबर असेंबली हैं तो क्या हुआ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, इजाजत मिलेगी तो जाने दूंगा, पुलिस अहलकार का जवाब। एक के बाद एक नैब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया। नैब की जानिब से रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस दायर। साबिक वजीर आला ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, खजाने को नुकसान पहुंचा, नैब का मौकफ। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में कैंप जेल में कैद ख्वाजा बरादरान ने भी रिहाई की दरखास्त कर दी। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की हाईकोर्ट में दरखास्त जमानत दायर। नैब करप्शन के इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा, जमानत मंजूरी की जाए। ख्वाजा साद और लाहौर पार्किंग कंपनी में करप्शन केस। हाफिज मियां नुमान की दरखास्त जमानत खारिज। किसी भी मद में 1 रुपया भी वसूल नहीं किया। लाहौर पार्किंग कंपनी की इंक्वायरी गैर कानूनी। दरखास्त गुजार की इस्तदा, हाफिज नुमान करप्शन में मुलविस हैं, नैब वकील के दलाइल। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हुक्म सुना दिया। अमार यासिर के इस्तीफे की कहानी चौधरी बरादरान से शुरू, चौधरी बरादरान पे खत्म। अमार यासिर ने चौधरी बरादरान को दिया गया इस्तीफा वापस ले लिया। अमार यासिर को बतौर वजीर मादनियात काम जारी रखने की हिदायत कर दी गई। इस्तीफे की वापसी का फैसला वजीर आला और चौधरी बरादरान की मुलाकात में हुआ। नवाज शरीफ का इलाज शुरू ना हो सका। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने जना अस्पताल में इलाज पर फिर सवालिया निशान लगा दिया। सरबरा मेडिकल बोर्ड डॉक्टर आरिफ तजमुल ने बयान की तरदीद कर दी। बोले, नवाज शरीफ की सेहत को फौरी कोई खतरा नहीं है, ना ही नया बोर्ड बनाने की जरूरत है, ना ही कहीं शिफ्ट करने की जरूरत है। जाती मुआलिज
जिना अस्पताल में हर सहूलत मौजूद है, नवाज शरीफ इलाज से मुतमईन है। हुकूमत की ऐसी कोई नीयत नहीं कि नवाज शरीफ को तकलीफ पहुंचाई जाए। जिना अस्पताल में हर मुमकिन सहूलियात मौजूद हैं, अगर वो पीआईसी आना चाहते हैं तो हम रुकावट नहीं बनेंगे। वजीर सेहत की डीजीपीआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बुनियादी मराकज सेहत को अपग्रेड करेंगे। पाकिस्तान में 39% बच्चों की नशोनुमा नहीं हो रही, माँ और नौमौलूद की सेहत की बेहतरी पर तवज्जो देंगे। नवाज शरीफ खास बाकी सबाम, जिना अस्पताल में वीआईपी मूवमेंट, मरीजों के लिए वबाले जान, लिफ्ट नवाज शरीफ की आयादत के लिए, आने वालों के लिए मुख्तस, मरीज और लवाहकीन सीढ़ियां चढ़ चढ़कर हलकान हो गए, इलाज के लिए आए शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। नून लीग का पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होने वाला पार्टी कन्वेंशन मंसूख, शहबाज शरीफ कारकुनों से मिलने को बेताब हैं, कन्वेंशन की नई तारीख का जल्द ऐलान होगा। ख्वाजा इमरान नजीर शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्माइद होने पर बोले, एहतसाब अदालत की जल्दबाजी समझ से बालातर है। सानहा साहिवाल को एक माह गुजर गया, खलील के लवाहिकीन को इंसाफ ना मिल सका, जीआईटी को दी गई डेडलाइन का आज आखिरी रोज, वजीर आला पंजाब ने 19 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। अंजुमन ताजरान के वफद का निस्पत रोड कैमरा मार्केट का दौरा, इंतखाबात में कामयाब फाउंडर्स ग्रुप को मुबारकबाद, सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट बोले, ताजरों के इत्तेहाद से ही मार्केट के मसाइल हल होंगे। सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर का लिबर्टी दुपट्टा मार्केट का दौरा, जिला इंतजामिया की जानिब से बिलावजह तंग किया जा रहा है, ताजिरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, वजीर वेलफेयर की मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी, बोले हुकूमती पॉलिसियों से कारोबार परवान चढ़ेगा, ताजिरों को बिलावजह तंग करने की किसी को इजाजत नहीं। लकड़ी चोरों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे, कानून में तब्दीली करके पुराने केसेस का जल्द फैसला किया जाएगा, बिलियन ट्री मंसूबे के तहत 55 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, सुबाई वजीर जंगलात सप्तायन खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। समनाबाद में सुतेली मां जल्लाद बन गई, 10 साल बेटी पर बहिमाना तशद्दुद, 10 साल मिनाहिल को लोहे के गर्म रॉड लगाती रही, बच्ची की चीख और पुकार सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला कर दी, मुतासिरा बच्ची का वालिद और वालिदा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुतासिरा बच्ची को इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का भी नोटिस, मुतासिरा बच्ची को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी, सारा अहमद। टाउन निजी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बाथरूम से तालिबे इल्म की लाश मिलने का मामला, नौजवान की मौत मशकूक है, लाश मुर्दाखाने मुंतकिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह मालूम होगी, 22 साल अमीन साहिवाल का रिहायशी है। वेटनरी यूनिवर्सिटी के जेर तमाम बीसी में इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस का आगाज, वजीर आला उस्मान बुजदार की बतौर मेहमान खसूस शिरकत, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बल्गारिया कैनेडा और दीगर ममालिक के 500 से जायद माहरीन रिसर्चर्स और दीगर ने शरीक, वजीर आला पंजाब ने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का भी इफ्तिताह किया, गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल में खसूसी तकरीब। और अभी और बारिश होगी, मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी बारिश की पेशगोई कर दी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर के उफक पर बादल छाए रहेंगे, वक्फे वक्फे से बूंदे बरसने का इम्कान।